हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडवांस मॉडल सीरीज में एक नए एडवांस मॉडल के बारे में। और आज उस नए एडवांस मॉडल्स का हम लोग पास्ट भी इसी वीडियो में देखेंगे। और वो नया एडवांस मॉडल्स है कैन हैविंग टू और उसका पास्ट टेंस कुड हैविंग टू। सो कैन हैविंग टू और कुड हैविंग टू का यूज हम कैसे करते हैं इस वीडियो में आज हम डिटेल में सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, आज हम लोग कैन हैविंग टू और उसका पास्ट टेंस जो है कुड हैविंग टू उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, वो भी डिटेल में। कैन हैविंग टू जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है नानी ने आकर, पढ़ाकर, रहा रही रहे आकर, है हुआ है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, तुम्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, आपको बिजनेस शुरू करना पड़ रहा है, मुझे आपका सपोर्ट करना पड़ रहा है, आपको मेरी हेल्प करनी पड़ रही है, आपको मेहनत करनी पड़ रही है, उसे एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, मुझे पैसा कमाना पड़ रहा है, उसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ रहा है, आपको मुझे पीटना पड़ रहा है, मुझे आपको बदनाम करना पड़ रहा है। अब देखिए कैसे, मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, उसे मुझसे बात करनी पड़ रही है, हमें बगीचे से फूल तोड़ने पड़ रहे हैं। सो नानी ने आकर, जब पढ़ आकर, रहा रही रह आकर, है हुए, इस तरह के जो वर्ड्स किसी भी सेंटेंस में लास्ट में मिलेंगे हम उसको बनाएंगे कैन हैविंग टू में, ठीक है ना। अब जैसे देखो, मुझे बाजार जाना पड़ रहा है, सो आई कैन हैविंग टू गो टू मार्केट, तुम्हें यहां आना पड़ रहा है, सो यू कैन हैविंग टू कम हियर, मुझे वीडियोज बनाने पड़ रहे हैं, सो आई कैन हैविंग टू मेक वीडियोज, तुम्हें यूट्यूब पर चैनल बनाना पड़ रहा है, सो यू कैन हैविंग टू क्रिएट चैनल ऑन यूट्यूब, यू कैन हैविंग टू क्रिएट चैनल, यूट्यूब पर चैनल बनाना उसको मेक चैनल ऑन यूट्यूब भी बोल सकते हैं या क्रिएट चैनल ऑन यूट्यूब भी बोल सकते हैं। आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, यू कैन हैविंग टू स्ट्रगल, मुझे आपसे बात करनी पड़ रही है, सो आई कैन हैविंग टू टॉक विथ यू, मोहन को क्लास को मैनेज करना पड़ रहा है, मोहन कैन हैविंग टू मैनेज क्लास, मुझे बोर्ड पर लिखना पड़ रहा है, आई कैन हैविंग टू राइट ऑन द बोर्ड, तुम्हें मुझे मोटिवेट करना पड़ रहा है, यू कैन हैविंग टू मोटिवेट मी, मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, सो आई कैन हैविंग टू टीच यू, राजीव सर को क्लास में आना पड़ रहा है, राजीव सर कैन हैविंग टू कम इन द क्लास, तुम्हें मोबाइल रिचार्ज करना पड़ रहा है, यू कैन हैविंग टू रिचार्ज मोबाइल, मोहन को नया मोबाइल खरीदना पड़ रहा है, मोहन कैन हैविंग टू परचेस न्यू मोबाइल। इसी तरह दोस्तों, अगर इसका पास्ट देखना है कुड हैविंग टू, उसको कैसे बनाएंगे, है ना। नानी ने आकर, पढ़ाकर, रहा रही रहे आकर, है थाती थे आए, अब ये जो है हुआ है ना दोस्तों, उसकी जगह से थाती थे लगा देंगे, ठीक है ना। सो नानी ने आकर, पढ़ाकर, रहा रही रहे आकर, थाती थे आए, जैसे उसे बाजार जाना पड़ रहा था, मुझे गाना गाना पड़ रहा था, हमें पैसा कमाना पड़ रहा था, उन्हें क्रिकेट खेलना पड़ रहा था, राधा को खाना पकाना पड़ रहा था, मम्मी को बाहर जाना पड़ रहा था, मुझे किचन में काम करना पड़ रहा था, उसे रोटियां बनानी पड़ रही थी, इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करना पड़ रहा था, तो मैं फ्यूचर के लिए पैसे सेव करने पड़ रहे थे, सो करने पड़ रहे थे। सो नानी ने आकर, पढ़ाकर, रहा रही रहे आकर, थाती थे आए, तो सेंटेंस बनेंगे कुड हैविंग टू, जो कैन हैविंग टू का पास्ट टेंस होता है कुड हैविंग टू। जैसे मुझे बाजार जाना पड़ रहा था, सो आई कुड हैविंग टू गो टू मार्केट, तुम्हें यहां आना पड़ रहा था, सो यू कुड हैविंग टू कम हियर, मुझे आपके साथ बात करनी पड़ रही थी, सो आई कुड हैविंग टू टॉक विथ यू, मोहन को क्लास को मैनेज करना पड़ रहा था, सो मोहन कुड हैविंग टू मैनेज क्लास, मुझे कॉन्फिडेंट बनना पड़ रहा था, सो आई कुड हैविंग टू बिकम confident, टीचर को पढ़ाना पड़ रहा था, टीचर could having to teach, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा था, so I could having to wake up early in the morning, तो मैं पैसा कमाना पड़ रहा था, so you could having to earn money, मुझे नया बिजनेस शुरू करना पड़ रहा था, so I could having to start new business, तो मैं स्टेज पर बोलना पड़ रहा था, so you could having to speak on the stage, जैसे इलेक्ट्रिशियन को फैन रिपेयर करना पड़ रहा था, so इलेक्ट्रिशियन could having to repair fan, आपको मेहनत करनी पड़ रही थी, so you could having to work hard, दोनों को compare करके देखो दोस्तों, जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है बोलूं, so can having to, पड़ रहा था, so could having to, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ रहा है, so I can having to play cricket, मुझे क्रिकेट खेलना पड़ रहा था, so I could having to play cricket, तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही है, यू कैन हैविंग टू वर्क हार्ड, तुम्हें मेहनत करनी पड़ रही थी, सो यू कुड हैविंग टू वर्क हार्ड, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है, सो आई कैन हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मुझे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा था, सो आई कुड हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है, तो वी कैन हैविंग टू स्ट्रगल, हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था, सो वी कुड हैविंग टू स्ट्रगल, मुझे
आपकी मदद करनी पड़ रही है. सो आई कैन हैविंग टू हेल्प यू, मुझे आपकी मदद करनी पड़ रही थी. सो आई कुड हैविंग टू हेल्प यू, तुम्हें मेरा सपोर्ट करना पड़ रहा है. सो यू कैन हैविंग टू सपोर्ट मी, तुम्हें मेरा सपोर्ट करना पड़ रहा था. सो यू कुड हैविंग टू सपोर्ट मी. जैसे मोहन को बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ रहा है. सो मोहन कैन हैविंग टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक, मोहन को बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ रहा था. सो मोहन कुड हैविंग टू डिपॉजिट मनी इन द बैंक, मुझे पैसा कमाना पड़ रहा था. सो आई कैन हैविंग टू अर्न मनी, मुझे पैसा कमाना पड़ रहा था. सो आई कुड हैविंग टू अर्न मनी. दोस्तों इसी को अगर पांच पांच पैटर्न अफर्मेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव डब्ल्यू एच पैटर्न हु पैटर्न में बनाना है तो कैसे बनाएंगे. देखिए मुझे मेहनत करनी पड़ रही है. सो आई कैन हैविंग टू वर्क हार्ड, वर्क हार्ड है ना मेहनत करना. मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है. सो आई कैन नॉट हैविंग टू वर्क हार्ड, क्या मुझे मेहनत करनी पड़ रही है. सो कैन आई हैविंग टू वर्क हार्ड, कैन आगे आ जाएगा क्वेश्चन बनाने के लिए. मुझे मेहनत क्यों करनी पड़ रही है. सो वाई कैन आई हैविंग टू वर्क हार्ड, किसे मेहनत करनी पड़ रही है. सो हु कैन हैविंग टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी पड़ रही थी. सो आई कुड हैविंग टू वर्क हार्ड, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी. सो आई कुड नॉट हैविंग टू वर्क हार्ड, क्या मुझे मेहनत करनी पड़ रही थी. So could I having to work hard, मुझे मेहनत क्यों करनी पड़ रही थी. So why could I having to work hard, किसे मेहनत करनी पड़ रही थी. So who could having to work hard. जैसे मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है, क्या बोला मैंने, मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है. सो आई कैन हैविंग टू टीच यू, मुझे आपको नहीं पढ़ाना पड़ रहा है. आई कैन नॉट हैविंग टू टीच यू, क्या मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है. Can I having to teach you? मुझे आपको पढ़ाना क्यों पड़ रहा है. Why can I having to teach you? किसे आपको पढ़ाना पड़ रहा है. So who can having to teach you? मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा था. So I could having to teach you? मुझे आपको पढ़ाना नहीं पड़ रहा था. So I could not having to teach you? क्या मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा था. So could I having to teach you? मुझे आपको क्यों पढ़ाना पड़ रहा था. So why could I having to teach you? किसे आपको पढ़ाना पड़ रहा था. So who could having to teach you? जैसे सिंगर को गाना गाना पड़ रहा था, गाना पड़ रहा है, उसकी मर्जी नहीं है लेकिन उसको गाना पड़ रहा है. सो सिंगर कैन हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, सिंगर को गाना नहीं गाना पड़ रहा है. सिंगर कैन नॉट हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, क्या सिंगर को गाना गाना पड़ रहा है. कैन सिंगर हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, सिंगर को गाना क्यों गाना पड़ रहा है. सो वाई कैन सिंगर हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, किसे गाना गाना पड़ रहा है. सो हु कैन हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, सिंगर को गाना गाना पड़ रहा था. सिंगर कुड हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, सिंगर को गाना नहीं गाना पड़ रहा था. सिंगर कुड नॉट हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, क्या सिंगर को गाना गाना पड़ रहा था. कुड सिंगर हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, सिंगर को गाना क्यों गाना पड़ रहा था. वाई कुड सिंगर हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग, किसे गाना गाना पड़ रहा था. सो हु कुड हैविंग टू सिंग अ सॉन्ग. जैसे तुम्हें जॉब सर्च करना पड़ रहा है. सो यू कैन हैविंग टू सर्च जॉब, तुम्हें जॉब सर्च नहीं करना पड़ रहा है. यू कैन नॉट हैविंग टू सर्च जॉब, क्या तुम्हें जॉब सर्च करना पड़ रहा है. सो कैन यू हैविंग टू सर्च जॉब, तुम्हें जॉब क्यों सर्च करना पड़ रहा है. सो वाई कैन यू हैविंग टू सर्च जॉब, किसे जॉब सर्च करना पड़ रहा है. हु कैन having to search job, तुम्हें job search करना पड़ रहा था. so you could having to search job, तुम्हें job search नहीं करना पड़ रहा था. so you could not having to search job, क्या तुम्हें job search करना पड़ रहा था. so could you having to search job, तुम्हें job क्यों search करना पड़ रहा था. so why could you having to search job, किसे जॉब सर्च करना पड़ रहा था. सो हु कुड हैविंग टू सर्च जॉब, हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है. सो वी कैन हैविंग टू स्ट्रगल, हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा है. सो वी कैन नॉट हैविंग टू स्ट्रगल, स्ट्रगल एक वर्ब है जिसका मतलब होता है संघर्ष करना, क्या हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा है. सो कैन वी हैविंग टू स्ट्रगल, हमें स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा है. सो वाई कैन वी हैविंग टू स्ट्रगल, किसे स्ट्रगल करना पड़ रहा है. सो हु कैन हैविंग टू स्ट्रगल, हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था. सो वी कुड हैव having to struggle, हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा था. सो वी कुड नॉट हैविंग टू स्ट्रगल, क्या हमें स्ट्रगल करना पड़ रहा था. सो कुड वी हैविंग टू स्ट्रगल, हमें स्ट्रगल क्यों करना पड़ रहा था. सो वाई कुड वी हैविंग टू स्ट्रगल, किन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा था. सो हु कुड हैविंग टू स्ट्रगल, मोहन को सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है. सो मोहन कैन हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहन को सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ रहा है. मोहन कैन नॉट हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मोहन को सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है.
कैन मोहन हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहन को सुबह जल्दी क्यों उठना पड़ रहा है? सो व्हाई कैन मोहन हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, किसे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा है? सो हु कैन हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहन को सुबह जल्दी उठना पड़ रहा था, सो मोहन कुड हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मोहन को सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ रहा था, मोहन कुड नॉट हैविंग टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, क्या मोहन को सुबह जल्दी उठना पड़ रहा था? Could Mohan having to wake up early in the morning? Mohan को सुबह जल्दी क्यों उठना पड़ रहा था? Why could Mohan having to wake up early in the morning? किसे सुबह जल्दी उठना पड़ रहा था? Who could having to wake up early in the morning? जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ रहा है, So I can having to deposit money in the bank. मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करना पड़ रहा है, So I can not having to deposit money in the bank. क्या मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ रहा है? Can I having to deposit money in the bank? मुझे बैंक में पैसा क्यों डिपॉजिट करना पड़ रहा है? So why can I having to deposit money in the bank? किसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ रहा है? Who can having to deposit money in the bank? मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ रहा था, So I could having to deposit money in the bank. मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट नहीं करना पड़ रहा था, So I could not having to deposit money in the bank. क्या मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ रहा था? So could I having to deposit money in the bank? मुझे बैंक में पैसा डिपॉजिट क्यों करना पड़ रहा था? So why could I having to deposit money in the bank? किसे बैंक में पैसा डिपॉजिट करना पड़ रहा था? So who could having to deposit money in the bank? दोस्तों उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको कैन हैविंग टू और कुड हैविंग टू बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने मे हैविंग टू और माइट हैविंग टू भी पढ़ा है, तो मे हैविंग टू और माइट हैविंग टू की जगह हम लोग कैन हैविंग टू और कुड हैविंग टू भी यूज कर सकते हैं, जिसमें प्रेजेंट में हम लोग मे हैव टू, मे हैविंग टू या फिर कैन हैविंग टू यूज करते हैं, और पास्ट में माइट हैविंग टू या फिर कुड हैविंग टू का इस्तेमाल करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।